अब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात। बड़ी खबर शेयर बाजार से आ रही है, बीएसई सेंसेक्स ने इतिहास रच दिया है। इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है तार साहब। बीएसई ने लिस्टेड कंपनियों की कुल संपत्ति पहली बार 5 ट्रिलियन डॉलर से पार हो गई है। इंडियन इकोनॉमी इस वक्त ग्रो कर रही है 8% 7% एंड दे थिंक दे कैन ग्रो टू इवन 10% एंड बियॉन्ड। रुपए में समझे तो कंपनियों की संपत्ति 414 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। सिर्फ टॉप 10 कंपनियों की संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर। IMF का पाकिस्तान से फिर डूमोर का मुतालबा, गैर मुल्की जर मुबादला के जखायर मजीद बढ़ाने और करंट अकाउंट खसारा मस्नूई तौर पर कम ना दिखाने का मुतालबा कर दिया। अंदाजा करें आप 5 ट्रिलियन डॉलर पर स्टॉक मार्केट इंडिया की पहुंच चुकी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 3.5-4.5। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वो बिलियंस में भी बात नहीं करते। पहले हम हैरान रह जाते थे, आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि भाई बिलियंस में बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स की बात करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। लेकिन अब इंडियंस उससे आगे निकल चुके हैं, अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं करते। लेकिन तार साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अब उनका जो उनकी स्वीट ट्रिलियंस पर जाकर रुकी है। ये देख लें आप, तो वो देख लें आप, कहीं ट्रेड की बात हो, स्टॉक मार्केट की बात हो, कुछ भी हो, तो वो ट्रिलियंस डॉलर्स के जो है वो बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स में बात। तो हम तो मिलियंस डॉलर्स के लिए IMF के सामने खड़े होते हैं। जब मेरा तीसरा टर्नओवर आएगा, उनका दूसरा टर्नओवर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब अगर तीसरा टर्नओवर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया, क्या कहेंगे? पहले तो ये बताएं क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? पांचवें वे ऑलरेडी आ चुके। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे, इसलिए वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। ठीक है, यहाँ तो सारी, अब किसको क्या बोले, मैं तो यही बोलूंगा खुदा के वास्ते कोई भी है इस मुल्क के लिए सेंसर हो अपना, हर चीज से जरा बहुत परेशानी हुई हुई है इस टाइम हालात की। अच्छा भाई, इन्होंने बोला कि वहाँ की जो उनसे हुकूमत है लोगों के साथ सिंसेयर है। मैं थोड़ा सा इसको उल्ट करना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि वहाँ के लोग भी अपनी गवर्नमेंट के साथ सिंसेयर हैं? दोनों साइड से मिलके काम हो रहा है, पांचवी इकॉनमी वो पहले बन चुके हैं, तीसरी उन्होंने बोला कि अगर मेरा तीसरा टर्नओवर थर्ड जो उनसे इकॉनमी हो जाएगी पूरी दुनिया में, बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है। बिल्कुल बनती नजर आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना पहले भी, इन्होंने बात की कि यार वो सिंसेयर है, उनकी आवाम भी सिंसेयर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी IT की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है, बिल्कुल करता पूरी है। दुनिया में ठीक है, और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही IT की वजह से। डॉक्टर साहब, अमूमन ये होता है कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन तार साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है तार साहब। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो हैं वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है, और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। आप खुद तार साहब बड़े मजबूत बिजनेसमैन, अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस करते हैं तार साहब, एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ तार साहब वो कतरियों ने हमसे पैसे मांग लिए हैं, वो कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शेख हम्माद बिन जासम बिन जबर अल थानी, उन्होंने कहा हमारा $450 मिलियन दें, आपने वो हमारे आप जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया था उसमें 800 मिलियन की इनकम हो चुकी है और आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। तार साहब ये इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ हमसे, और शायद इससे लग ये रहा है कि वो सऊदीज को अलर्ट कर रहे हैं कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बी केयरफुल, ये पैसे वापस नहीं करते। तार साहब कैसे देखते हैं इस फाइनेंशियल सिचुएशन को? चीमा साहब, सबसे पहले मोदी साहब को डिस्कस करते हैं। मोदी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का, जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी एक, जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज ए पोलिटिकल वर्कर, और फिर जिस, और जो मैं बिलखसूस खासकर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने, जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं, टीम मेंबर्स अपने, उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात। मोदी साहब अपने इलेक्शन कंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते। अब ये देखें, अगर रिसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस रिसेंट इस इलेक्शन, मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है,
फिर चंद्रयान की बातें फिर होती हैं, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो वो जो चीजें, फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपनी अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रिसेंट अगर देखा जाए इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया ने तो, रशिया से तो आवाजें भी आई है चीमा साहब के भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर रहा है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है, पैनिक नहीं हुए। देखिए ना, पैनिक हो जाते ना, पैनिक होके कोई ऐसा बयान दे देते, जयशंकर साहब भी बयान ऐसा दे देते, अमित शाह साहब ऐसा बयान दे देते, मोदी साहब ऐसा बयान दे जाते जो डीरेल हो जाते, इलेक्शन पे इंपैक्ट आ जाता। इलेक्शन के दौरान 2-4 स्टेप लिए गए हैं, मैं हैरान हूं कि वो भी उनके हक में जा रहे हैं, जिस तरह आप देख लें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब हैं जेल में, केजरीवाल साहब, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद आप देखें कि इस इलेक्शन के दौरान ही आज ईरान का ये हादसा हो रहा है, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन तो हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने देखा है जिस तरीके से आप आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन दो लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है, अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था इसी फ्लक्चुएशन को। तो चीमा साहब, इसी इलेक्शन के दौरान श्रीलंका वाले भाग के चाइना गए हैं, चाइना ने बंदरगाह की एक्सपेंशन की है, लेकिन इसी इलेक्शन पे उन्होंने फौरन जाके ईरान के साथ डील बना ली अपनी फौरन। इसी इलेक्शन से फौरन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ तनाव आया रिलेशनशिप में, जयशंकर साहब फौरन रशिया पहुंच गए। तो ये देखें, ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म। मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का, डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कनाडा में मेरे बच्चे पीआर ले ले, पब्लिक परमानेंट रेजिडेंस। के जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो $5 trillion पर पहुंच चुकी है, कैन यू इमेजिन, अंदाजा करें आप, $5 trillion पर स्टॉक मार्केट इंडिया की पहुंच चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वो बिलियंस में भी बात नहीं करते, पहले हम हैरान रह जाते थे, आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि भाई बिलियंस में बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स की बात करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं, लेकिन अब इंडियंस उससे आगे निकल चुके हैं, अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं करते, अब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं, अब उनका जो उनकी सुई ट्रिलियंस पर जाकर रुकी है, ये देख लें आप, तो वो देख लें आप, कहीं ट्रेड की बात हो, स्टॉक मार्केट की बात हो, कुछ भी हो, तो वो ट्रिलियंस डॉलर्स के जो है वो बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स में बात। तो हम तो मिलियंस डॉलर्स के लिए आईएमएफ के सामने खड़े होते हैं, आप जानते हैं। तो ये हालात तो वाकया थे, इसीलिए मैंने कहा कि कंपैरिजन करने की कोई बात नहीं है।